हेलो दोस्तों, तो आज हम चमकाने वाले हैं अपनी आरी को। आरी का जितना पार्ट होता है क्रोम वाला। काफ़ी दिनों से खड़ी हुई थी मेरी बाइक, तो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी, रस्ट भी आ चुका था इंजन की। देख रहे हैं आप आउटर सेल पर, ये जो है काफ़ी ज़्यादा रस्ट आ चुकी है। तो मेरे हाथ में है ये अपना कार का स्पॉन्ज, जो कि क्लीनिंग किट के साथ में आता है। तो मैंने इस पर एक पाउडर लगा कर और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इसको अप्लाई किया है। धीरे धीरे पूरी बॉडी पर लगा रहा हूँ और अब देखते हैं कि ये कितना काम करता है, क्योंकि मैंने काफ़ी जगह सुना था कि इस पाउडर से जो है ये रस्ट जो है ये ख़त्म हो जाती है। और जो भी क्रोम गंदा हो जाता है काफ़ी दिन तक, अगर बाइक खड़ी रहती है तो गंदा हो जाता है। तो ये देखिए, शॉकर पे भी जो है रस्ट है आपको दिखाई दे रही है। तो इस रस्ट को कैसे हटाना है, हमने एक पाउडर में जो है थोड़ा सा पानी मिलाया और इसको मैं इसका स्पंज की हेल्प के से इस इंडिकेटर पर भी लगा रहा हूँ। देखिए, ये इंडिकेटर थोड़ा सा गंदा है, लेकिन देखते हैं कि क्या ये साफ़ हो पाता है या नहीं। जितने भी मेरे आरी लवर भाई हैं, उनको ये वीडियो अगर पसंद आए या उनके काम का ये रहे एक पाउडर, तो ज़रूर कमेंट करिएगा और मुझे भी करेक्ट करिएगा कि क्या मैं इस पाउडर को सही तरीके से अप्लाई कर रहा हूँ, अगर जिन भाइयों ने भी ये यूज़ किया हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये शॉकर पर मैं लगा रहा हूँ, तो पूरी की पूरी बाइक पर लगाने के बाद में थोड़ा सा सूखने देते हैं इस पाउडर और वाटर के मिक्सचर को और देखते हैं फिर क्या होता है। तो देखिए साहब, तो भाइयों जो पाउडर मैंने लगाया है वो ये है, सफ़ो नाम से आता है, सफ़ो SAFO, ये मार्केट में आपको उपलब्ध हो जाएगा क्लीनिंग पाउडर के नाम से। तो दोस्तों, चमचमाती हुई आरी अब आपके सामने है, तो आप अपनी आरी को भी इसी तरीके से चमका सकते हैं। उसके क्रोम को देखिए, रिम कितना साफ़ हो रखा है, एकदम चमकदार है, लस्कार है मारी जाना। और देखिए, लेग गार्ड है, ये भी चमकदार हो रखा है। तो सारी की सारी आरी आप मिनटों में आप साफ़ कर सकते हैं अपने घर पर। देखिए, इसमें आप शक्ल भी देख सकते हैं अपनी। तो एक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो।